नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल बोर्ड के आजीवन सदस्य रूपा गुप्ता, दिल्ली प्रादेशिक महिला अग्रवाल पूर्व चेयरपर्सन, दिल्ली वैश्य समाज के बनने पर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष आर के जलान और सीईओ कुमार विजय के अलावा वैश्य व्यापार टीम के सभी सदस्यों ने स्वागत किया है। भारतीय मौसम विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के अध्ययन से पता चला है कि बारिश के पानी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। महाराष्ट्र में नागपुर, असम में मोहनवाड़ी, यूपी में इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में कोडाइनकानाल से बारिश के पानी के नमूनों की जांच के बाद शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस पानी की पीएच वैल्यू 4.77 से 5.32 के बीच है, यानी इन जगहों पर एसिड रेन हो रहा है। आपको बता दें कि 5.65 से कम पीएच वैल्यू वाले बारिश के पानी को एसिडिक पानी या अम्लीय पानी कहा जाता है। दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर शाहरुख खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म जीरो रिलीज होने वाली है, लेकिन जीरो की मुश्किलें बॉक्स ऑफिस पर बढ़ाने आ रही है फिल्मकार जेम्स कैमरून की एलिटा बैटल एंजल। मतलब जीरो के लिए ये मुकाबला कड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि आनंद एल राय निर्देशित जीरो में शाहरुख खान एक बोने का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है ये एक साइंस फिक्शन फिल्म हो सकती है। आपको बता दें कि कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा इसमें फीमेल रोल में नजर आएंगी। कुचामन सिटी वैश्य समाज की ओर से स्वर्गीय रामेश्वरी देवी मंत्री की स्मृति में आयोजित निशुल्क घुटना एवं कमर दर्द निवारण प्राकृतिक चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। शिविर के आखिरी दिन यहां 202 रोगियों की चिकित्सा की गई। कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के सहयोग से माहेश्वरी भवन में आयोजित शिविर का वैश्य समाज के नागौर जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, माहेश्वरी समाज के कुचामन के अध्यक्ष नंद किशोर बिरला और जायल माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष नथमल दरक और श्याम सुंदर मंत्री ने अवलोकन कर व्यवस्थाओं की सराहना की। इनर व्हील क्लब ऑफ गया के तत्वाधान में वुमेन कार रैली गांधी मैदान से बोधगया दो गुहान तक निकाली गई। कार रैली का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिन्हा ने किया। कार रैली का आयोजन रोड सेफ्टी अवेयरनेस और नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के द्वारा आयोजित किया गया। रोड सेफ्टी आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्लब की अध्यक्ष सीमा भदानी ने बताया कि आज जब हम नारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें नारी को सशक्त बनाना होगा। जयग्रसेन महाराज की 44वां आयोजन अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन 29 जुलाई 2018 को दिल्ली के अग्रसेन भवन विवेक विहार में होने जा रहा है। आप सभी अग्रबंधु अपने विवाह योग्य बच्चों का पंजीयन 15 जुलाई तक करा सकते हैं। निवेदक राजेश हेरन, आशीष बंसल, अरुण गर्ग, राजकुमार गुप्ता। निर्भया शक्ति द्वारा लगातार साफ सफाई का परिणाम रामसागर तालाब में न केवल स्थानीय नागरिकों को बल्कि बहुत सारे पर्यटकों को भी दिखाई दे रहा है। निर्भया शक्ति के इस प्रयास से गया शहर के बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान भी आगे बढ़कर इसमें हाथ बटा रहे हैं। लोटस वैली स्कूल के कुछ छात्र छात्राओं ने भी इस काम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। बच्चों को संबोधित करते हुए निर्भया शक्ति के कमेटी मेंबर एडवोकेट मुकेश सिन्हा ने बच्चों को देश सेवा और समाजित में काम करने को कहा। साथ ही निर्भया शक्ति के संस्थापक सत्यवती कुमारी गुप्ता ने बताया कि स्वच्छ रहने से न केवल हमारे आंतरिक मन बल्कि बाहरी परिवेश में भी बदलाव आता है। कैलारस में निकाली गई विशाल अग्रध्वज यात्रा में अग्रवाल समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। कई महीनों से अन्नपूर्णा संस्था द्वारा मथुरा में छत्ता बाजार और कृष्णा नगर में भोजन वितरण प्रतिदिन शाम को निरंतर जारी है। उसी कड़ी में इसके तीसरे सेंटर का शुभारंभ मथुरा नए बस स्टैंड पर किया गया। संस्था के राहुल अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही अन्नपूर्णा एक वस्त्र पूर्णा केंद्र कृष्णा नगर में खोलने की तैयारी कर रही है, जिसमें गरीब जरूरतमंदों को कपड़े मुफ्त में बांटे जाएंगे। साथ ही समाज के लोगों से कहा है कि छोटे और सेकेंड हैंड कपड़े इस सेंटर पर दे जाएं ताकि गरीब लोगों को कपड़े पहुँचाए जा सके। बहराई तेजवापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बैरिया के बेहड़ा में किसानों की फसलों की सिंचाई सुविधा के लिए 1992 में राजकीय नलकूप की स्थापना की गई थी। स्थापना के कुछ महीने बाद ही नलकूप के लिए लगाया गया ट्रांसफार्मर चोर उठाकर ले गए थे। ट्रांसफार्मर के चोरी हो जाने के बाद किसानों की शिकायत के बाद भी दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। किसानों ने बताया कि नलकूप को दुरुस्त कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को कई बार लिखा गया, लेकिन समस्या वैसी की वैसी रही। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
काफी ऊहापोह और विवाद के बाद अंततः अखिल भारतीय रौनियर वैश्य युवा महासभा की नई कार्यकारिणी का विस्तार कर लिस्ट महासचिव राकेश रोशन ने जारी कर सभी विवादों पर विराम लगा दिया है। अखिल भारतीय रौनियर महासभा के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने अपनी कमेटी का विस्तार कर हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया। युवा अध्यक्ष ने कहा कि अखिल भारतीय रौनियर युवा महासभा में सभी को एकजुट कर समाज को ऊंचाई तक ले जाएंगे। वहीं युवा राष्ट्रीय महासचिव राकेश जी ने कहा कि सभी को ध्यान में रखकर और सभी प्रदेश अध्यक्ष से राय विमर्श करके लिस्ट निकाली गई है। इस लिस्ट में वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के सीईओ कुमार विजय को वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता, जन सेवक धीरज गुप्ता को राष्ट्रीय युवा मीडिया प्रभारी। बधाई देने वालों में अखिल भारतीय रौनियर महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उमेश गुप्ता, राष्ट्रीय अखिल भारतीय रौनियर महासभा के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष भगवान जी, राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव महिला रीना रानी गुप्ता, गया के जिला अध्यक्ष राजू जी, महासचिव अरुण गुप्ता, देवरिया के हरिश्चंद्र गुप्ता, गया सांसद हरि मांझी, देवरिया सांसद कलराज मिश्रा, श्रवण गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा महिला नगीना देवी, राष्ट्रीय महिला कोषाध्यक्ष अंजू गुप्ता ने दी है। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।